सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आज आप करांगे रीट का टेस्ट है जेड़ा वो अणडिठे पैरे इस विच नहीं पाए गए है क्योंकि अणडिठे पैरे है जेड़े वार्तक दे और कविता दे उन्हां दी तैयारी है। तुहानू सैकंड ग्रेड फस्ट ग्रेड उन्हां दे सिलेबस करवाई हुई है, जे उत्थों तुसीं नहीं कीते तां तुसीं उत्थे जा सकदे हो और अपने उनका प्रिंट लैके या डाउनलोड करके अणडिठे पैरियां दी तुसी उत्थों तैयारी कर सकते हो। पांच पांच पैरे दिते हुए हैं तो उन्होंने थोड़ी चंगी तैयारी हो जाएगी भाई, उस तो ज्यादा ही होंगे। तो अणडिठे पैरों को छड़ के अगर आप गल करिए बाकी का आप पेपर है किस तरीके फेस करना है उस चीज़ को आप लगातार सीख रहे हैं भाई। अपनी तैयारी भावें घट हो पर उस घट तैयारी के नाल भी आप एक चंगा मूव कर सकते हैं, चंगे नंबर लिया सकते हैं और इतने क्वालीफाई राउंड है तो सारे बच्चे क्वालीफाई हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ नहीं लगी पी। हूँ सब तो पहला शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक ग्रामोफोन है। आपां क्वेश्चन पढ़ना है, ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन बारे सोचना है भाई ग्रामोफोन की है। फिर ऑप्शन पढ़ने हैं भाई, केवल दृश्य साधन, केवल श्रवण साधन, दृश्य ते श्रवण साधन या कोई भी नहीं। अगला ये है ते अपन हूँ की है कि सब तो पहला ग्रामोफोन बारे सोचना है, उनके बारे तो जो भी पढ़िया हुआ है ग्रामोफोन तुसी देखिया होगा, पुराना जेड़ा रिकॉर्ड जा होया करता सीगा, दी प्लेट जी रख दिया करते सीगे और फिर प्लेट रख के ते वो चलता रहिंदा सी पई ते गाने बजदे रहिंदे सीगे, कल्ला और कल्ला एक कलम कल्ला सिर्फ सुनन दे काम आंदा सीगा। ते जदों आपां इन्नी उस दे बारे सोचिया ते आपां नूं पता लग गया कि आ बी ऑप्शन है जेड़ा केवल श्रवण साधन बई कल्ला सुनन दा काम आंदा है बई इस नूं, तां बी ऑप्शन सही है। फिर अगे है दूजा छाई माई होना दा अर्थ है, छाई माई होने दा की अर्थ है भाई, नचना, नखरे करने, घबरा जाना, अलोप होना। हुण इस की करना है कि जे आपां नूं पता है तां आपां सीधा निशाना ला दईए और जे किते आपां नूं नहीं पता तां आपां की करना है कि वाक च प्रयोग करना है, वाक च प्रयोग करो। जिवें आपां नूं कई बार मास्टर कह देंदे है छाई माई हो जाओ भाई, छाई माई हो जाओ, ठीक है, या पुलिस नूं वेखदे ही चोर छाई माई हो गए। तो इत्थों आपां नूं जदों आपां एक वाक प्रयोग कर लिया तो आपां नूं पता लग गया कि देखो नचना तो नहीं हो सकता, ना ही नखरे करने हो सकते हैं, घबरा जाना या आलोप होना, इन्हां विचों हुण आपां छाई माई होना दे बारे सोचना है, बाकी वाक प्रयोग दे बारे सोचना है। और फिर आपां कहांगे बई छाई माई हो जाओ भाई, गुरुजी आपां नूं क्या करदे सी, या कोई बंदे कई बार कहिंदे छाई माई हो जाओ बस दिखो ना इत्थों मिंट मारो, या जिहड़ा वाक प्रयोग कीता सी पुलिस वाला। तो उत्थों आपां जदों देखदे हां कि अलोप होना जिहड़ा इह है ऑप्शन सही होवेगा भाई, डी ऑप्शन अलोप होना रहेगा। उस तों बाद धरती शब्द का समानार्थी केड़ा नहीं है, देखो किधर एवें ना हो तुसीं नहीं इस दे उत्ते गौर ही ना करो, बिना गौर किते ही तुसीं सीधा क्वेश्चन चक लो भाई धरती पर आ पृथ्वी कर दिंदे हां भाई, अगे तां ग्रह आ रहे हैं, चलो छड्डो भरा बस। अगे आपां ऑप्शन पढ़े नहीं चंगी तरह, कोई भी चीज़ है उहदे ऑप्शन पढ़ो भाई चंगी तरह, पृथ्वी, ग्रह, भूमि, जमीन। इत्थों आपां नूं पता लगदा है भाई देखो समानार्थी धरती का समानार्थी पृथ्वी भी है, ग्रह भी है, ऐ ग्रह नहीं है भाई, ग्रह नहीं है, ग्रह हर चीज होती है, भूमि है भाई, जमीन भी है, क्योंकि ग्रह है जेड़ा वो धरती का समानार्थी नहीं है, ग्रह तो कोई भी हो सकता है भाई, बुध, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो इस दे विच की है कि जेड़ा समानार्थी नहीं है वह ग्रह है, सी ऑप्शन सही है। मालवे विच किसे नूं की कहिंदे आ भाई, कहानी, चिट्ठा, कथा पाठ या कोई नहीं,
देखो जरा किस्सा होंगे ना जरा वो कहानी तो होंगे ही नहीं भाई, कहानी तो वखरा होंगे, तो इस कारण कहानी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हुण चिट्ठा तो कथा पाठ रह गया, हुण कथा पाठ है जरा पाठ टाइप चीज किस्से विच नहीं होंगी भाई, चिट्ठा है जरा क्या कोई नहीं इन्हें विचों अपने दिमाग च आ सकता है भी की लाइए, तो आपको चिट्ठा लाना चाहिए भाई। जोड़ा किस्सा होंगे वो चिट्ठा टाइप च होंगे और मालवे चुनू चिट्ठा कहें भाई, तो बी का चौथे का बी चिट्ठा। अगला पंजवें जी, हेठ लिखे शब्दों विचों धातु की पहचान करो। सब तो पहला आपको सोचना पवेगा कि धातु की होंगे भाई, ऑप्शन बारे देखिए, अण ता पढ़ ते पढ़ता। हुण आपां की करना एक एक ऑप्शन दे उत्ते आपां नूं गौर करनी है। सब तो पहला धातु बारे आपां नूं पता होना चाहिए भाई धातु की होंदी है। धातु वो मूल शब्द होंदा है, धातु वो शब्द होंदा जिहड़ा अगेतर पछेतर हटाण तो बाद सारे वधेतर हटाण तो बाद जिहड़ा शब्द बचदा है और जिन्हों गांह होर टोटा टोटे नहीं किए जा सकते, उन्होंने वक् वक् नहीं किया जा सकता और उनका अपना एक अर्थ होंदा है वह बई धातु होंदा है। दूजे शब्द च आपां इह भी कह सकते हैं बई धातु वह शब्द है जिहड़ा तोड़िया नहीं जा सकता उस तो गांह और उनका अपने आप च अर्थ होंदा है, वधेतरा रहित होंदा है और उनके नाल ही अगेतर पछेतर ला के एक नवा शब्द बनता है। तो हुण इत्थे आपां देखिए अण, अण तां अगेतर है बई, ता है जिहड़ा ये पिछेत्र है और पढ़ है, पढ़ दे विच अगर आप देखिए और ये की है धातु बनती है क्योंकि इन दे विच अगे कोई शब्द है जा नहीं लगे होया भी, जे आप पढ़ नू अगा गां तोड़िए तो टुट नहीं सकता, कहिंदे अगे पिछे कोई शब्द नहीं लगे होया और इहदा अपने आप च एक अर्थ निकलता है बई पढ़ दा, पढ़ने तो संबंधित है ते आ धातु है। हुण पढ़ता है, पढ़ दे पिछे ता ता पिछेत्र लग्या होया, पढ़ते पिछे ताप छेत्र लग गया और नवा शब्द बन गया पढ़ता, परंतु धातु वह होंगे जो वधेतरा तो रहित होंगे रहत होंगे तो वह बनता है भाई पढ़। तो जोड़ा पंजवा है उसका जोड़ा धातु अगर देखा जाए तो पढ़ बनेगा भाई, जेदा हर क्वेश्चन मैं समझा के कर रहे हैं वो इस कारण कर रहे हैं कि हर बच्चा जो पेपर फेस करेगा तो जिन्हों तो सीधा पता है वह सीधा लाई दूगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जिन्हों नहीं सीधा पता वह थोड़ा सोच समझ के करेगा, किधर एवें ना हो ठा देनी करके पेपर उत्ते पै जाओ रीट वाले उत्ते। और फिर जे आप जिमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन के अंदर अपनी जो 2 सिली मिसटेक भी है, 1 सिली मिसटेक भी आप कर दें और फिर घर आके आप सोचते हैं हाए रब्बा आ होना सी और मैं एवें करता, मैं एवं नहीं सोचा, मैं वो नहीं सोचा, यह आप पहले ही अजी तैयारी कर लेनी है कि अपने तो यह जी गलतियां हो ही ना पाई। हुण 30 विचों जे 1 सिली मिसटेक आती है तो 150 च तुहाड़ियां 5 जाणगियां और जे आप सही विश्लेषण करने च बढ़िया हो सकते हैं, अपना विश्लेषण की जो रेट है वह 70% तो लैके 100% के चला जाता है, उनका आपां नूं सब तो वड्डा फायदा यह होएगा कि जिथे 50-50 अपने प्रश्न गलत होने की संभावना है उत्थे अपने वधणगे भाई वधणगे, जिहड़ा अपना निशाना है वह बिल्कुल सटीक लगेगा, विश्लेषण के आधार पर भी अपने की कहते 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इस हिसाब नाल आप देखते हैं तो फिर आपू कम से कम 5-10% का आपको फर्क पेगा भाई और उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिथे आप 60% नंबर चाहिए है उत्थे अपने 70% नंबर आने पे और जे कितने सिली मिसटेक हो गई और ये हो गई तो अपने वही 5-4 नंबर कट गए तो आपको वड्डा नुकसान हो सकता है। अगे बढ़ते हैं बई, केड़ी गतिविधि सरवण अते देखण दोहा कौशलों के विकास लिए वध चंगी है? रेडियो नहीं बई, रेडियो कला सुनने का काम करता है, कहानी कहानी भी आप सुन सकते हैं बई, कहानी सुन के ये भी सुनने का काम है, परंतु टीवी की है देखना तो सुनना सारे ही सही, सारे सही नहीं है बई, टीवी है जिहड़ा इहदे सी ऑप्शन वह बई सही है। मां की बोली का ढुकवा समासी शब्द है, देखो मां बोली का समासी शब्द है तो मां बोली ए ऑप्शन है वह सही है बई। हुण उस तो बाद देखिए
थोड़ी लियाकत वाला ले ढुकवा शब्द इनकी वाक वरतों करके देखो बी थोड़ी लियाकत वाले की तुसी जो आप इनकी वाक वरतों करते हैं तो आप की पाने बी घड़ी का कुत्था गऊ का जाया खूह का डड्डू चार अखर देखो चार अखर तो हो ही नहीं सकते इस उत्ते सीधा ही काटा मार दो क्योंकि इनके नाम तुसी और विस्तार नहीं करना चार अखर ही पढ़ने आते हैं तेन चार अखर ही आते हैं इन होर वड्डा वड्डा नहीं करना इतने तक ही रखना है तो यह कट जूगा घड़ी का कुत्था यह नहीं हो सकता बई गऊ का जाया जेड़ा बहुत ही गऊ वर्गा हो गऊ वर्गा बड़ा ही भोला जा पर थोड़ी लियाकत वाला जिन्हों ज्ञान थोड़ा हो खूह के डड्डू वांग खूह के डड्डू वांग बई जिन्हों ज्ञान थोड़ा हो उसकी गल अगे इज्जड़ इज्जड़ शब्द का धुनी विस्तार है ई दे उत्ते दख लग्या होया बई और सियारी लगी दी है तो इनका जो ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही होगा ई बनेगा हुण सियारी लगी अजय फिर जय और फिर अड़ है इज्जड़ बई सी ऑप्शन सही है। दसवां भाषा वाचन की प्रीख्या में शामिल है भाषा वाचन देखो इसके वाचन के उत्ते शब्द है जो भाषा वाचन को समझना पड़ेगा वाचन माने वाचना उनके विच की शामिल होता है लिखित कौशल शामिल नहीं होता भाई सिर्फ उसका वाचन होता है सिर्फ वाचन करना होता है पढ़ना होता है भाई ये ऑप्शन नहीं गा तो ये ऑप्शन नहीं गा तो ऐसा ना आपको पता लग गया भाई सारे कौशल ये भी नहीं गा हुण दो रह गए दो चो छांटना है सुनन ते समझण कौशल ते उचित गति नाल शुद्ध वाचन देखो सुनना ते समझना दो चीजा आ गया परंतु अगले च की है उचित गति नाल शुद्ध वाचन सी आ ऑप्शन सही है भाई उचित गति नाल शुद्ध वाचन है जेड़ा ना वह भाषा वाचन की प्रीख्या विच शामिल है। हुण उस तो बाद केड़ा शब्द शुद्ध है शुद्ध छाटना है भाई पहला शब्द है बुढ़ा इहनू देख लो पढ़ना सही है जे तुसी किते गलत पढ़ लिया फिर दिक्कत हो जाएगी बुढ़ा बिल्कुल सही ठुकमा पढ़ रहे हैं भाई आप अगे आ गया बुढ़ा सिर्फ लिखे बुढ़ा बुढ़ा ए नहीं हो सकता अगे आ गया बुढ़ा आ भी नहीं हो सकता अगे आ गया बुढ़ा आ भी सही नहीं है बुढ़ा बुढ़ा अदख लगी हुई है पहला ए ऑप्शन ए सही होगा भाई इस तरीके जो तुम पढ़ना है तो पढ़ना शुद्ध अशुद्ध लई सही पढ़ना भी जरूरी है सही पढ़ के आप सही पहुंचांगे भाई। अगे 12 नंबर सिमरन खेड़दा है वाक च किरिया केड़ी है भाई सिमरन है जेड़ा वो ना है भाई किरिया नहीं है करता है सिमर सिमर ना दी कोई चीज आई नहीं हुई यह हो ही नहीं सकता अगे खेडना खेडना किरिया है भाई जिंदे च कोई काम करना है होना पै जाए भाई तो खेडने च है तो खेडना है फिर उस तो बाद कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता खेडना किरिया अपने सामने आ गई है भाई। 13 नंबर किस कारक दे चिन्ह तो कोलों ते पासों हन संबोधन तो संबोधन होंदा है भाई ओए मुंडिया ए नहीं गा संप्रदान संप्रदान वाले भी ऑप्शन भी नहीं है भाई करण करण विच भी नहीं है भाई अपादान अपादान च जेड़ा है उंदिया तो कोलों पासों है जेड़े अपादान कारक ने। अगे 14 नंबर किनिया लगा अखरां दे पिछे लगदियां ने भाई बहुत ही सौखा है परंतु कई बच्चे समझण जनू थोड़ा ढिल वरत जांदे आ भाई लगा है जिहड़ियां ओ दसणियां किहड़ियां पिछे लगदियां ने 2, 3, 5, 4 किहड़ियां पिछे लगदियां भाई अखर दे ये आपां देखांगे भाई मुक्ता तां कोई अगे पिछे किते नहीं आ रहा भाई कन्ना ये पिछे आ रहा भाई सियारी अगे आ रही है बिहारी पिछे आ रही है भाई ला दुला उत्ते आ रहे हैं भाई औंकड़ दुलांकड़ थले आ रहे हैं होड़ा कनोड़ा उत्ते आ रहे हैं दो ही है जेड़े भाई पिछे आते हैं अखरों के पिछे आते हैं तो ये ऑप्शन सिर्फ की करना है कि तुम इसको सही ढंग समझ लेना है सही ढंग जे आप समझ गए तो समझो गल बन गई। बड़ा सरल क्वेश्चन अगर सही तरीके सही एंगल अगर विश्लेषण कर लिया सोच लिया समझ लिया तो फ्री का नंबर सीगा दो सही है भाई पहले का ऑप्शन ए ऑप्शन सही है 14वें का। अगे 15 नंबर जब तुम आखोगे उदो काम कर देवे बई जब तुम आखोगे काम कर देवे ये की है योजकी अवस्था है बई साधारण नहीं है ना ही प्रसनिक हैगी प्रसन नहीं पूछया देखो साधारण तो है ही नहीं तो प्रसन भी नहीं पूछया योजकी अवस्था है यह कि योजकी अवस्था 15वें का ये टीवी है केवल दृश्य साधन केवल श्रवण साधन दृश्य श्रवण दोनों बई दृश्य भी है टीवी आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं सी ऑप्शन सही है इनका।
डरू का विरोधी शब्द है, डरू का विलोम शब्द, यह सब आता ही होना है। बी डरू का दलेर है भाई, डरोकल तो समानार्थक हो गया, डराकल डरना, यह सारे समानार्थक है भाई, पर विरोधी शब्द है वो दलेर है। अगला टैट है डैड है, आ व्यंजन केड़े है, ओठी नहीं है भाई, ओठी पै फै वै बाल है, तालवी भी नहीं है भाई, चै छै जै, मुरदनी उल्ट जी भी टैट है डैण है, जो आप देखते हैं इन जीव है जी उल्ट रही है भाई, ट ठ डण, मुरदनी है जो इस विच जड़ा है वह बनता है भाई, मुरदनी सी सही है इस विच। वार का शरीर है भाई, वार का शरीर किसन मनिया गया, वार का शरीर मनिया गया पौड़ी भाई, टक्कर वार की आत्मा होंगी है, कविता एक वक्री चीज होगी, सारे ही हो नहीं सकता। अगला है जी 20 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान उपचारक सिक्ख्या विच की सहायता करता है, क्रियात्मक अनुसंधान भाई, इस तरह ही अध्यापक विच आउण वाली अध्यापन विच आउण वालियां समस्यावां दा विज्ञानक ढंग नाल अध्ययन किया जाता है ते फिर हल लगा जाता है। सही गल है, समस्यावां दा विज्ञानिक ढंग दा अध्ययन करते हैं और फिर उनका हल भी लभदे भाई, समस्या पैदा कहीं हुई, जिवें आपां ये जो भी टेस्ट की तैयारी कराने उस टाइम खास ध्यान रखते हैं भाई, किस तरीके की गलतियां कर रहा है बच्चा, उनका इलाज भी किया जाता है, वह काम हो रहा है भी, जो बच्चे की क्रिया कर रहे हो उन्होंने भाषा दोष का नोट किया जाए ना भाई, ना अध्यापक तो बच्चे स्कूल तो बाहर अनुसंधान कर आते हैं, नहीं स्कूल के अंदर ही अनुसंधान होगा भाई, बच्चे आप एक दूसरे दे भाषा दोष लभते हैं, नहीं नहीं बच्चा आप कैसे लभूगा, बच्चे तो बेचारे पता नहीं लगता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, अध्यापन विच आउण वालियां समस्यावां दा वैज्ञानिक ढंग नाल अध्ययन ते फिर उनका समाधान लभ्या जाएगा। 21 नंबर, निबंधात्मक प्रीख्या पूरी तरह प्रभावित नहीं हुंदियां, नहीं हुंदियां भाई, नहीं इस ते गौर करना, क्योंकि देखो वस्तुनिष्ठता की घाट है, बिल्कुल सही गल है, वस्तुनिष्ठता की घाट है इस विच, और ये विश्वासयोग नहीं है, विश्वासयोग नहीं है भाई, अभी सही गल है, प्रभावित निबंधात्मक है जी वो पूरी तरह प्रभावित नहीं होंगी बई, क्योंकि वस्तुनिष्ठता की घाट होंगी ये ता प्रभावी नहीं, विश्वासयोग भी नहीं है बई, नकल नुकल चल सकती है, इशारा किया तो नकल मार ली, तो निबंधात्मक प्रीख्या पूरी तरह प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि फिर अग्गे सिख्यार्थी की मानसिकता से बुरा असर पैंदा, नहीं बुरा असर नहीं बई, नहीं इन्हां विचों सारे ही नहीं गए बई, डी ऑप्शन ये सारे ही नहीं है, निबंधात्मक प्रीख्या पूरी तरह प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि क्यों नहीं होंगी, वस्तुनिष्ठता की घाट है, विश्वासयोग नहीं है और मानसिकता से बुरा असर पैंदा, ये सारे ही सही है। 22 नंबर, बच्चों के विकास के निर्माण का काम है केवल स्कूल माँ प्यो पर प्यो या परिवार के अध्यापक, देखो जो विकास करना है तो परिवार के अध्यापक दोनों मिलकर करेंगे, डी ऑप्शन सही है, कल्ला माँ प्यो नहीं कर सकता, ना ही कल्ला स्कूल कर सके, ना ही कल्ली माँ कर सके, अध्यापन लई जरूरी है। 23 नंबर भाई, लोड़िंदा विद्यक योग्यता, विद्यक योग्यता भी चाहिए है, ट्रेनिंग भी चाहिए है, मनोविज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए है, उपरोक्त सारे है अध्यापक वास्ते जरूरी है, देखो तुहानू विद्यक योग्यता भी है तुहाडे, तुहानू ट्रेनिंग भी बीएड के अंदर दी है, किवें बच्चों को पढ़ाना है, मनोविज्ञान भी दी जानकारी होनी चाहिए है, बच्चे किहड़ा बच्चे किस तरीके डील करना है, यह सारे ही है भाई। अगे सिक्ख्या का मुख उद्देश है विद्यार्थी नू, सिक्ख्या का मुख उद्देश की है, अनुशासन विच रहना सिखाना, विवेक सिखाना, आज्ञा पालन करना सिखाना, कारोबार सिखाना, देखो अपनी जी सिक्ख्या वो कारोबार तो सिखाती नहीं पई, इस ते काटा, और एक अनुशासन विच रहना सिखाना, हाँ भाई अनुशासन विच रहना सिखाती है, परंतु उस तो भी तकड़ी चीज़ आप देखते हैं कोई लभ जाए तो, विवेक सिखाना क्योंकि एक ऑप्शन लगाना है, और आज्ञा पालन, आज्ञा पालन हो गया, अनुशासन हो गया, यह तो सिखाती सिखाती है, परंतु सिक्ख्या जी विवेकशील बनती है बच्चे, बच्चा विवेकशील बन जाए और विवेकशील बन के अपने गांह जी जिंदगी है उसनों बड़े सोहने ढंग जी सके पाई, इसलिए जो विवेक सिखाने वाला ऑप्शन है वह बद वधी है, तो इस पर लाया जाएगा ऑप्शन सही है। सब तो पहला बच्चा किसते संपर्क चाहता है भाई, सब तो पहला बच्चा समाज के स्कूल के राजनीति के परिवार के, तो भैया सब तो पहला जोड़ा बच्चा परिवार के संपर्क चाहूगा, क्योंकि उत्थे जमदा पलदा है माँ की गोद के विच, दादे पापे नाने मामे चाचे वो जिहड़े खड़ांदे उन्हूं परिवार के संपर्क चाहुंदा है,
फिर उस तो बस थोड़ा वड्डा होंदा है, फिर समाज च, फिर स्कूल च, फिर राजनीति च पढ़ता है बई। 26 नंबर, साहस नाव दी वनंगी है, साहस है जेड़ा एस दी की वनंगी है भाई, एस दी आपां नूं वनंगी देखनी है साहस दी, खास तो है ही नहीं आ ना ही आम है, भाव साहस है जेड़ा वो की है, साहस ये भाव तो संबंधित है भाई, ना ही वस्तु है, ना ही खास है, ना ही आम है, ये भाव हैगा है। 27 नंबर, आजादी शब्द तो बनिया विशेषण दसना है भाई, अते आजादी का उल्ट पाव ही दसना है, आजादी का विशेषण है जेड़ा गुलाम नहीं है भाई, बी ऑप्शन देखते हैं, आजाद हाँ आजादी का आजाद है, विशेषण से आजादी का उल्ट पावी गुलामी है, बी ऑप्शन सही है, अगे भी देखा भाई अगले पढ़ने भी जरूरी है, निरंतर तो शहीद नहीं हो सकता, गुलाम से आजाद नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है जेड़ा वो सही है। 28 नंबर, सानू शब्द का पुरख है, सानू मैं सानू एक ही है, पहले पुरख है भाई, तू दूजा है, तू या तू तो बने दूजा, ओ तीजा है, ये सानू मैं एक ही है, पहले है पहला पुरख, मौज मौज दे उत्ते केड़ी लगां लगी हुई है भैया, लगां देखनी है भाई केड़ी लगी है, इसनू की कहंदे है, मुक्ता दुलावा होड़ा कनोड़ा, ए है कनोड़ा भाई, डी नंबर सही है। फिर कारां विच बैठे वाक विच कारक दसना है भाई, कारां विच बैठे कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, संबोधन कारण, अधिकरण विच मे पेपर आंदा है भाई, हिंदी विच तुहानू याद होवे तां, और इत्थे विच उत्ते थल्ले ये अधिकरण दे अंदर आंदा है, ते ए ऑप्शन अधिकरण कारक है सही है। अगला 31 नंबर, सबर संतोख समासी शब्द मेल है भाई, सबर संतोख समासी शब्द का देखना है, विरोधी शब्दों का सार्थक निरार्थक दोहरावे शब्दों का या समानार्थक शब्दों का, सबर ते संतोख दोनों विरोधी नहीं है भाई, सार्थक भी नहीं है, दोहरावे भी नहीं है, सबर ते संतोख समानार्थक है भाई, सबर ते संतोख की है समानार्थक है, समानार्थक सही होगा। इस तरीके आपां की करना है कि 30 क्वेश्चनों नूं कम से कम 20-25 मिनट देने हैं भाई, आराम नाल पंजाबी दे विच अपनी कोशिश रहे, आपां कम से कम की कहिंदे है कि 25-30 जिहड़े है, 25 तो लैके 30 नंबर आपां लगा सकीए भाई, 27-28-29-30 जिन्ने नंबर अपने आ जाण वधिया, ताकि आपां आराम नाल इहनूं क्वालीफाई कर सकीए, अपने किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है जो आपां नूं ना आवे पई। धन्नवाद भाई सारिआं दा जी।